हेलो फ्रेंड्स, 2013 के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अभी तक हम 2012 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ए रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स पी शोन इन द फिगर। ठीक है, इफ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल वेरीज फ्रॉम ई1 टू ई2, ई1 टू ई2 इसका यंग मॉडुलस वेरी कर रहा है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप एट द सेक्शन SS, ये हमको SS सेक्शन गिवन है। इस पर हमसे पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या डेवलप होगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक, तो आप स्ट्रेस जानते हैं, स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा, बेसिक स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। सो दिस इज नथिंग, इसमें कहीं भी आपको यंग मॉडुलस का टर्म्स नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये बेसिक डेफिनेशन से जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यंग मॉडुलस। सो ये E1 टू E2 वेरी कर रहा है या जो भी है। ठीक है, ये यहां पर स्ट्रेस क्या होगा, यहां पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें, SS क्रॉस सेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स पी एंड नॉर्मल फोर्स पी, एंड इसका एरिया आपको गिवन है ए, ये तो यूनिफॉर्म है। सो यहां पर आप स्ट्रेस लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस इज योर आंसर। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।